अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो होने वाला है ईद मेकअप लुक। मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ ये मेकअप लुक पोस्ट करने के लिए, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। सो मेरा स्किन प्रेप ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं अपने आई शैडो से इस मेकअप की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले मैंने लिया है मेबिन का एज रिवाइन कंसीलर इन द शेड कैरेमल। ये एक आई शैडो बेस की तरह काम करेगा एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू कलर करेक्ट माई आईलिड। इसको मैं अपने फिंगर की मदद से ब्लेंड करूंगी और इसको अपने प्लेस पे सेट करूंगी। उसके लिए मैंने लिया है ट्रांसलूसेंट पाउडर बाय शुगर कॉस्मेटिक्स। जो आई पैलेट मैं यूज कर रही हूँ इस मेकअप लुक के लिए, दिस इज टू मच ड्रामा आई शैडो पैलेट बाय रूट कॉस्मेटिक्स। इसमें से मैंने पिक किया है मामा कीटा आई शैडो कलर। ये बहुत ही सुंदर कलर है, इसमें थोड़ा सा ग्रीन है, थोड़ा सा गोल्डन है, सो इट्स अ गोल्डन ऑलिव आई शैडो कलर और ये बहुत ही पिगमेंटेड आई शैडो है। सो मैंने ब्रश की मदद से इसको पूरे आईलिड्स पे अप्लाई किया है। आप जो भी पिगमेंट अपने आईलिड्स पे अप्लाई करते हो ना, मेक श्योर आप उसे क्रीज पे ना लेके जाओ, क्योंकि हम वैसे भी वो वाला एरिया ब्लेंड करेंगे। अब मैंने पिक किया एक मैट आई शैडो, दिस इज सॉसी फ्रॉम दैट सेम पैलेट। इसको मैं यूज़ करूंगी एज अ क्रीज कलर और जो आई शैडो हमने अप्लाई किया था मामा कीटा उसके एजेस को ब्लेंड करने के लिए। अब मैंने कोल काजल लिया है, दिस इज बाय रिमल लंडन, दिस इज इन द शेड ब्राउन और मैं इसको अपने आईलिड्स पे एज अ आई लाइनर अप्लाई करूंगी वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन। उसके बाद मैं इसी काजल की मदद से एक विंग लाइनर क्रिएट करूंगी। आप चाहो तो ब्लैक काजल के साथ भी ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो, बट मैं सारा फोकस आईलिड पे ही चाहती थी और मैं बहुत सॉफ्ट सा विंग आईलाइनर चाहती थी। ठीक है, हमारा आई मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, हम इसे बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम बेस पे आ जाते हैं। फॉर माय बेस सबसे पहले मैं ले रही हूँ मेबिन का एज रिवाइन कंसीलर इन द शेड कैरेमल। इसको मैं अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई करूंगी और जहाँ जहाँ पे मुझे एक्ने मार्क्स या कहीं नए पिंपल्स दिख रहे हैं वहाँ पे अप्लाई करूंगी। और मैंने कलर करेक्टर भी यूज़ किया है, दिस इज़ बाय एल ए गर्ल, ये एक ऑरेंज कलर करेक्टर है। ये बहुत पिगमेंटेड है तो इसको थोड़ा सा ही लेना पड़ता है। मैं इसको सिर्फ अपने लिप्स के आसपास अप्लाई करूंगी जहाँ पे कभी कभार फाउंडेशन एशी दिखने लगता है। अब हम सब कुछ करेंगे ब्लेंड ब्लेंड और ब्लेंड। अब अंडर आईज को हाईलाइट करने के लिए मैंने लिया है मेबिलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड 25 और मैंने थोड़ा सा और शेड कैरेमल लिया था बाय मेबिलिन एज डिवाइन कंसीलर और दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर दिया था एंड आई गॉट दी परफेक्ट हाईलाइटर शेड। उसको फाउंडेशन ब्रश की मदद से ब्लेंड करने से पहले मैं अपने हाथों से उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इट्स अ ड्यूई फाउंडेशन और एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। ये मेरे स्किन टोन पे ये कलर भी काफ़ी सूट करता है। सो मैं इसे अपने हाथों की मदद से वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई नहीं किया था, उसके बाद मैं ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब हम वही शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करके अपने अंडर आईज़ को, अपने टी जोन एरिया को सेट करेंगे ताकि वहाँ पे क्रीजिंग ना शुरू हो जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट अभी तक अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय कंटेंट गाइस, हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का अल्टाइम प्रो आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन। मैं इस पूली साइड की मदद से अपने आईब्रोज को अपर डायरेक्शन में पुश कर रही हूँ, उसके बाद आई एम गोना फिल अप द स्पार्श एरियाज। ये थोड़ा सा पिगमेंटेड आईब्रो पेंसिल है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल आई मस्ट से। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को और फेदरी और बुशी दिखाने के लिए उसे अच्छे से सेट करूंगी। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पुशअप ड्रामा मस्कारा बाय मेबिलिन। ये एक ओल्ड मस्कारा वॉन्ड है बट जो भी प्रोडक्ट इसमें रह गया ना, दैट रियली हेल्प्स इन सेटिंग द आईब्रोज इन प्लेस, सो मुझे ये यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट करूंगी। मैंने लिया है एक डार्क ब्राउन मोर लाइक अ मरूनिश आई शेडो और मैंने उसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है, कॉन्टोर किया है अपने लोअर लैश लाइन को। अब मैं मेबिलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर लूंगी इन द शेड मोल्टन गोल्ड। इसे सबसे पहले मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी, उसके बाद आई एम ऑल्सो अप्लाइंग दिस ऑन दी 1/3 ऑफ माई लोअर लैश लाइन, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फ्लैट आई शेडो ब्रश पे जो भी प्रोडक्ट रह गया होगा उसे मैं अपने आईलिड के सेंटर पे अप्लाई करूंगी, इससे आई शेडो और निखर के आएगा हमारे आईलिड का। अब मैं अपने आईज को कर्ल कर रही हूँ, दिस इज अ कर्लर बाय मिनीसो। उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया है मेबिलिन का टोटल टेम्पटेशन मस्कारा। मैं फॉल्सीज भी अप्लाई करूंगी ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी। आप चाहो तो फॉल्सीज स्किप कर सकते हो, मैंने पैक का एक नेचुरल दिखने वाला फॉल्सीज अप्लाई किया है।
अब मैंने फेसेस क्रेडा का ब्लैक काजल लिया है टू टाइट लाइन द अपर लैश लाइन। इससे कोई भी बैंड दिख रहा हो मेरे फॉल्सीज का या फिर मेरी स्किन कलर दिख रही हो मेरे आईलेट्स पे, तो वो पूरा कवर हो जाएगा और वो ब्लैक दिखेगा। मैं इसे अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर से सिर्फ 1/3 एरिया में। हमें इसे काजल जैसा टाइट लाइन करना है अपने लोअर लैश लाइन को। ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा सॉफ्ट स्मोकी इफेक्ट देता है। अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी। दिस इज़ अ फेस पैलेट बाय मेकअप रेवोल्यूशन। काफ़ी अच्छा पैलेट है ये और पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है। इसका ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कॉन्टोर को अपने फेस पे अप्लाई किया है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट रह गया है उसकी मदद से अपने नोज पे कॉन्टोर को अप्लाई किया है। एंड देन आई वेंट बैक एंड ब्लेंडेड द कॉन्टोर लाइन जो हमने क्रिएट की थी। ये बहुत पिगमेंटेड है जैसे मैंने आपको बताया, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब मैं सेम पैलेट से ब्लश लूँगी एंड आई विल अप्लाई दैट ऑन माई चीक्स, नोज एंड चिन। ये बहुत ही पिगमेंटेड और ब्यूटीफुल ब्लश है, मेरे स्किन टोन पे काफ़ी सूट करता है। सेम पैलेट से मैंने हाइलाइटर पिक किया है और मैं ओवरबोर्ड बिल्कुल नहीं जाना चाहती हाइलाइटर से। सो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, टिप ऑफ माई नोज, ऑन माई चीक बोन्स। दीज आर लाइक द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस। और मैंने इसे अप्लाई किया है अपने ब्राउ बोन्स पे, उसके बाद मेरी क्यूपिड्स बो पे। लिप्स के लिए मैंने यूज़ किया लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर इन द शेड वाइन टच। आप चाहो तो न्यूड लिपस्टिक भी पहन सकते हो, ये एक मैट लिपस्टिक है बट काफ़ी कंफर्टेबल फॉर्मूला है इसका। मुझे मेकअप को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप चाहो तो सेट भी कर सकते हो। एंड विद दैट वी कम्प्लीटेड दिस ईद मेकअप लुक। ये सारी ज्वेलरीज जो मैंने पहने हैं उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द आउटफिट। तो ये था आज का ईद मेकअप लुक। काफ़ी वेरिएबल लुक है जैसा कि मैंने आपको बताया। और जितने भी लोग ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी को ईद मुबारक। मैं जानती हूँ आप लोग के पास ये सवाल होगा कि शालिनी पैंडमिक का टाइम है, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, दावत में नहीं जा सकते, अपने दोस्तों के घर नहीं जा सकते, तो क्या हो गया गाइस? अगर आप चाहो तो रेडी हो सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे ईद को सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर आप ऐसे कॉन्टेंट और देखना चाहते हो मेरे चैनल से देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और उसके बगल में ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन उसको क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे चैनल से। सो उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सबके साथ। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय।